So, ये रही हमारे पास 2T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉचेस। और सबसे पहले तो इनमें से भाई स्मार्ट वॉचेस निकालते हैं। ये रही सबसे पहली स्मार्ट वॉच, इसके अंदर भाई इंसर्ट कर दो सिम कार्ड। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। जी जी इंसर्ट करो भाई सिम, ट्राई तो करो। लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए। क्या हुआ, सिम स्लॉट नहीं है? नहीं, एक्चुअली स्लॉट है, आपके दिल के अंदर है स्लॉट, और उसको सिर्फ लाइक बटन ही फुल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हसन है और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बेसिकली आज हमारे पास है T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, और इसके अंदर जो है ना वो हम सिम कार्ड इंसर्ट करके देखने वाले हैं कि भाई इसके अंदर हम सिम कार्ड को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब यार इस स्मार्ट वॉच को मैं लास्ट 30 डेज से ना यूज कर रहा हूँ, एक मंथ हो गया, बट मैंने इसके अंदर जो है ना वो कहीं भी कोई भी सिम स्लॉट नहीं देखा। यूट्यूब पर मैंने ऐसी वीडियो जरूर देखी है भाई जिसके अंदर ऐसी ही स्मार्ट वॉच के अंदर जो है वो सिम कार्ड इंसर्ट कर रहे हो। यार अभी T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के साथ मैंने कोई इतने ज्यादा पंगे नहीं लिए कि भाई इसके अंदर सिम कैसे इंसर्ट करें। एंड आज मैंने इसलिए भाई दो स्मार्ट वॉचेस मंगवाई है, एक मेरे फ्रेंड की है, ताकि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर सकूं। सबसे पहले हम अपनी स्मार्ट वॉच का जो यूजर मैनुअल है ना उसको एक बार अच्छे से रीड करते हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई इसके अंदर हम सिम अगर इंसर्ट कर सकते हैं तो वो कहां पे इंसर्ट होगी। भाई इससे पहले ऐसा कोई भी स्मार्टफोन या फिर ऐसे स्मार्ट वॉच नहीं है भाई जिसका मैंने यूजर मैनुअल इतने ध्यान से रीड किया हो। ये एक ऐसी लकी स्मार्ट वॉच है जिसको भाई मैंने पूरा आधा घंटा लगा कर ना इसका यूजर मैनुअल रीड किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग उसका भी मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे कहीं भी लिटरली मैंने सारा यूजर मैनुअल इसका रीड किया है, और मुझे यहाँ पे कहीं भी सिम स्लॉट के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। हालांकि यहाँ पे जो है ना वो ब्लूटूथ कॉलिंग के बारे में बताया गया, बट यहाँ पे हमें सिम स्लॉट के हवाले से इतनी सू भी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली। पहले ये चीज भी हमें जो है ना वो खुद से देखनी पड़ेगी। भाई साहब यूजर मैनुअल के अंदर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके अंदर भाई बताया गया हो। अगर उन्होंने भी ये चीज हमारे लिए छोड़ दिया तो भाई इस वीडियो के अंदर ना हम फुल डिटेल के अंदर ये चीज जो है ना वो टेस्ट करने वाले हैं स्मार्ट वॉच के ऊपर। भाई साहब इस स्मार्ट वॉच को तो आज मैंने खोल ही देना भाई, कहीं ना कहीं मैंने सिम इंसर्ट करके ही जाना है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एम करते हैं भाई ओनली 100 लाइक्स का, तो देखते हैं तुम लोग कितनी जल्दी 100 लाइक्स कंप्लीट करवाते हो। चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट वॉच हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले तो भाई जितने भी मिथ्स है ना यूट्यूब पे, भाई यहाँ पे सिम इंसर्ट होती है, यहाँ से होती है, सबसे पहले तो हम वो सब चीजों को देखेंगे भाई यहाँ पे सिम इंसर्ट होती है वाकई में के नहीं होती। तो ये सब चेक करने के बाद मैं आपको दोबारा से मिलता हूँ। एज यू गाइस कैन सी कि हमारी स्मार्ट वॉच हमारे पास आ चुकी है। एंड सबसे पहले अगर इसके हम राइट साइड पर देखें, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्क्रॉलिंग व्हील देखने को मिल जाता है। उसके नीचे देखे तो यहाँ पे एक होल है, एंड देन यहाँ पे इसका ऑन ऑफ की है। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं अपनी जो है ना वो सिम लेकर आ चुका हूँ। सबसे जो छोटा वाला साइज होता है ना, सबसे छोटा वाला साइज होता है ये, वो वाला सिम का साइज है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं सिम इंजेक्टर टूल भी लेकर आ चुका हूँ। ये वही टूल है जिससे हम अपने स्मार्टफोन्स की जो सिम्स वगैरह है ना उसको बाहर निकालते हैं। तो अभी हम इसको जो है ना वो इस होल के अंदर इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि भाई सिम ट्रे, भाई ये बटन है वैसे तो, लेकिन क्या पता भाई यहाँ पे जो है ना वो सीक्रेट जो है ना वो ट्रे अंदर हो, देन हम उसके अंदर सिम जो है ना वो इंसर्ट कर सके। वेल देखने में हमारा कुछ नहीं जाता, तो हम जो है ना वो इसको टेस्ट करेंगे। वैसे ये मुझे देखने पर ना माइक का होल लग रहा है, बट फिर भी चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे फुल जोर लगा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ भी ट्रे वगैरह बाहर नहीं निकल रही। ऑब्वियसली भाई ये बटन है तो ट्रे कहाँ से निकलेगी, और ये जो होल है ना वो आई थिंक माइक का ही होल है। अब जितना मैंने जोर लगा दिया मुझे तो लगता है भाई स्मार्ट वॉच का माइक उड़ गया है। तो मतलब ये सीन तो हमारा फेल हो गया। अब इसके हम लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पे भी हमें जो है ना वो एक बटन एक्शन की देखने को मिल जाता है। एंड काफी लोग कहते हैं कि भाई हमारी स्मार्ट वॉच के अंदर जो है ना वो इधर से सिम भी डल जाती है। असल में यार काफी स्मार्ट वॉचेस ऐसी हैं जिनकी भाई जो सिम ट्रे है ना वो यहाँ से निकलती है। काफी लोगों को लगता है कि भाई हमारी इस फेक वाली स्मार्ट वॉच के अंदर भी जो सिम है ना वो यहाँ से ही डलेगी, इसके साथ आपको होल देखने को मिल जाता है। तो हम इस सिम इंजेक्टर टूल से ना इसके अंदर जो है ना वो इसको इंसर्ट करके देते हैं भाई सिम ट्रे बाहर निकलती है कि नहीं। वेल आई डोंट थिंक सो कि भाई इससे सिम ट्रे निकलेगी, क्योंकि भाई एक्शन की है, इससे आपको पता है आपकी स्मार्ट वॉच के अंदर इसकी एक सेटिंग भी है। आप यहाँ पे देख सकते हो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है ना वो स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलता है, ये देख सकते हो। बट इस सेटिंग से आप जो है ना उसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे आप गेम्स वगैरह यहाँ पे आप गेम वगैरह सेट कर सकते हो। जब आप इसको प्रेस करो तो गेम ओपन हो जाए, या फिर कुछ भी आप जो है ना वो अपने अकॉर्डिंगली कोई भी ऐप यहाँ पे सेट कर सकते हो। वेल हम बात कर रहे हैं भाई सिम इंसर्ट करने की, तो वो हम चेक कर लेते हैं। सो ये रहा होल भाई, इसके अंदर हम जो है ना वो इस सिम इंजेक्टर टूल को लगाते हैं, देखते हैं भाई ये बाहर आता है।
तेरी खैर भाई, मैंने फुल जोर लगा दिया, मुझे लगता है ये टूट जाएगा, लेकिन ये जो है ना वो बाहर नहीं आएगी क्योंकि ये एक की है, बटन है। इधर आप जो है ना वो सिम वगैरह इंसर्ट नहीं कर सकोगे। असल में जिन स्मार्ट वॉचेस के अंदर जो सिम इंसर्ट होती है वो असल में एंड्रॉइड वॉचेस होती है, तो उनके अंदर ये वाला फीचर होता है, बट ये कॉपी स्मार्ट वॉचेस होती है, इसके अंदर आपको ये वाले जो सिम कार्ड वाले ऑप्शन है ना ये देखने को नहीं मिलते। अभी स्मार्ट वॉच की जो बैक साइड है ना इसको भी मैंने फुल अच्छे से देखा भाई, कहीं पे ये ओपन होती हो एंड देन हमें यहाँ पे कोई सिम को इंसर्ट करने के लिए स्पेस देखो मिल जाए, बट ऐसा नहीं हुआ यार। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें पेजेस वगैरह देखने को नहीं मिलते, ये यहाँ पे जस्ट डेकोरेशन के लिए इन्होंने बनाया हुआ, ये रियल नहीं है। तो इस स्मार्ट वॉच को तो मैं ऐसे ओपन नहीं कर सकता, बट मेरे पास इसी स्मार्ट वॉच का एक पुराना मॉडल पड़ा हुआ था T800 Ultra, तो उसकी जो बैक थी ना वो मैंने पहले से ही सेपरेट कर रखी थी, बट उसके अंदर भी हमें कोई भी सिम स्लॉट देखने को नहीं मिल रहा था। तो इससे हमें इसी चीज का पता चलता भाई, ये जितनी भी स्मार्ट वॉचेस है T800 Ultra, T900 Ultra, इनके अंदर जो है वो हम सिम वगैरह को इंसर्ट नहीं कर सकते। अब इसके अंदर इस तरह का कोई फीचर होता ना तो कोई ना कोई हमें इस बारे में सेटिंग्स भी देखने मिलती हो, लाइक डाटा ऑन करने की, ऑफ करने की, यहाँ पे हमें कोई भी इंटरनेट के रिलेटेड कोई भी सेटिंग भी देखने को नहीं मिलती। तो अगर दिल छोटा करने की भाई ऐसी कोई जरूरत नहीं है भाई, स्मार्ट वॉच के अंदर आपको बहुत से फीचर्स देखने मिल जाते हैं, कुछ हिडन फीचर्स भी, अगर तुम चाहते हो उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर मैं आपको वो हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर यार इतना ही था, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड लाइक करके जाना इस वीडियो को। सो ऑलराइट यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड पीस। सबसे पहले जो है ना वो हम अपनी स्मार्ट वॉच का यूज़